तारीख है 17 जनवरी 1967। अधिकार चला है दिल का सहारा टूट न जाए। बच्चों की दिल है इसके ऊपर, बच्चों की दिल है बाप के ऊपर, बाप ही बच्चों का सहारा है। तो क्यों बेटा दिल को थोड़ा संशय आता है वो ही बोलेंगे, दिल का सहारा टूट ना जाए। और जो निचे बुद्धि होंगे उनको तो ये गीत बजाने की भी दरकार नहीं क्या, कि दिल का सहारा टूट न जाए। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों पर प्रति शिव और सालिग्रामों को तो सब मनुष्य जानते हैं, तो ज्ञान ये की रचते हैं तो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटी छोटे सालिग्राम बनाते हैं, दोनों ही निराकार हैं। सालिग्राम भी निराकार आत्मा की यादगार है और शिव भी लिंग बनाते हैं शिव का, वो भी निराकारी शिव की यादगार है। यादगार का मतलब क्या हुआ, अभी कुछ प्रैक्टिकल हुआ है तो यादगार बनती है। माने शिव ने भी प्रैक्टिकल में इस संसार में आकर के निराकारी स्टेज को धारण करके बच्चों के सामने दिखाया है। जैसे बाप बच्चों के सामने निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं, वो तो है सुप्रीम सोल, सुप्रीम बाप। लेकिन और जो छोटे मोटे धर्म पिताए हैं वो भी निराकारी स्टेज में इस सृष्टि पर आते हैं, उन्होंने भी किसको फॉलो किया, किसी बाप को फॉलो किया। तो दोनों ही निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं, उनकी यादगार है सालिग्राम, और शिव भी निराकार है जिसकी यादगार है शिवलिंग। कैसे यादगार है, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ऐसी यादगार क्यों बनाती है, काम का जैसा काम वैसा उनका रूप दिखाई दिया, बड़ा काम किया है तो बड़ा रूप दिखाई दिया है। सालिग्राम छोटे छोटे दिखाए गए हैं, सालिग्राम में बंधन दिखाते हैं, शिवलिंग को बंधन चारों तरफ बंधन का लपेटा है वो नहीं दिखाते। इसका मतलब आत्माएं सब बंधन में आती है और शिव परमात्मा बंधन में नहीं आता है। दोनों ही निराकार हैं, माना दोनों ही प्रैक्टिकल में शरीर में होते हुए भी
ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं कि उन्हें अपने नाक आंख कान जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। कान है लेकिन सुनते हुए भी न सुनना, आंख है देखते हुए भी न देखना। तो ऐसे ऐसे जो कर्म इंद्रियों का निराकारी स्टेज का एक्ट दिखाई गई है उसको निराकारी रूप में दिखाते हैं। आप कृष्ण भगवान वाद तो नहीं कह सकते क्योंकि कृष्ण और राम ये तो आत्माएं हैं, ये सब जन्मरण के चक्र में आने वाली है। जो खुद ही जन्मरण के चक्र में आने वाली है वो भगवान बनकर के भगवान वाच कहे अपने को, ये तो साबित नहीं होता है। जो बंधन में कभी नहीं आता है वो ही दूसरों को बंधन से छुड़ा सकता है, और जो बंधन से छुड़ाता है वो ही भगवान है। भगवान एक होता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो ऊंच से ऊंच को कहा जाता है। तो शिव भगवान वाच वो किसके प्रति? जरूर शिव भगवान वाच सालिग्राम बच्चों के प्रति होगा। जब बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? दे अभिमानियों से बात करेंगे या शिव सुप्रीम सोल है तो आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करेगा? आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करेंगे। तो पूछा कि शिव भगवान वाक्य है तो किसके प्रति है, कौन उसकी बात को सुनेगा? माने दे अभिमानी सांधे तो शिव की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। सुनेंगे कौन? जो सुनेंगे वो काम पूरा करेंगे। क्या काम करेंगे? बाप आता है नरक को बदल करके स्वर्ग बनाने के लिए, तो नरक को स्वर्ग बनाने का काम जिनमें देवहन रह जाता है माने जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो नहीं कर सकती। त्रासी जन्म ब्यासी जन्म लेने वाली आत्माएं स्वर्ग स्थापना का काम 16 कला संपूर्ण दुनिया नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि खुद ही जन्म कम हो जाते हैं। अगर मान लो 83 जन्म लेने वाली आत्मा है तो 83 जन्म लेने वाली आत्मा की कला कितनी होगी? 16 कला होगी ना, चौथाई कला कम हो जाएगी ना। तो वो तो खुद ही कम कला वाली, वो संपन्न दुनिया कैसे बनाएगी? संपन्न दुनिया बनाने में सहयोग बाप का नहीं दे सकती। तो वो आत्मा बनती ही नहीं है, वो कुछ न कुछ उसमें देवान रह जाता है। किसमें? कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनमें कुछ न कुछ देवान रह जाता है। देवान रह जाता है माने वो पूरी आत्मा बनती ही नहीं, आत्मा स्टेज आत्मा की स्टेज धारण ही नहीं करती, इसीलिए वो बाप के काम के बच्चे नहीं है। बाप के बच्चे नहीं है, बाप के बच्चे वो है जो पूरी 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी स्टेज को धारण करते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं और शक्ति रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, मैं संपन्न आत्मा बनते हैं। तो उन संपन्न आत्माओं से मैं बात करता हूँ, उनसे उनके प्रति वाच करता हूँ। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, क्या बोला? मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। मैंने बात किससे करते हैं? ब्रह्मा से बात नहीं करते, मैंने मुख का आधार लिया है। फिर किस लिए आधार लिया है? बच्चों को सुनाने के लिए। बच्चों को सुनाने के लिए क्यों? ब्रह्मा की सुर तो ज्यादा नजदीक बैठी हुई है, वो तो पहले सुनेगी, फिर उससे बात क्यों नहीं करते? इसलिए बात नहीं करते ब्रह्मा से कि ये आत्मा जो है ब्रह्मा की सुर ये संपूर्ण आत्मिक स्टेज को पहले धारण नहीं कर पाती। क्या जब 4.5 लाख आत्मिक स्टेज को धारण करेंगे तब वो आत्मा धारण करेंगे? मतलब 4.5 लाख पहले जन्म लेने वाले होंगे और उसके बाद जो पहला नंबर लगेगा वो
कृष्ण का लगेगा। तो वो आत्मा जो है एप्रोप्रिएट आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं, समझाया उसको जाता है जो काम पूरा करे, सुनाया उसको जाता है जो समझे, सुने लेकिन समझे कुछ भी नहीं तो सुनाना बेकार हो जाता है, और सुनाना बेकार हो गया समझा ही नहीं तो काम पूरा करने वाला है नहीं। तो ब्रह्मा जी सोच भी किस कैटेगरी की है, बच्चा बुद्धि कैटेगरी की है या बाप सलाना है, बच्चा बुद्धि कैटेगरी की। उनके मुख से जितनी जितनी बातें सुनाई ब्रह्मा बाबा ने उतनी बातें ही याद रख पाई, इसके अलावा उसका वही अर्थ क्या है वो उनकी बुद्धि में बैठ जाएंगे। तो रूहानी बच्चों के प्रति बाप ने समझाया है, अभी बच्चों को कनेक्शन है ही बाप से, क्या समझाने वाला कौन, सुप्रीम सोल, ब्रह्मा नहीं समझाने वाला है, ये तो भक्ति मार्ग में कह दिया है, क्या कृष्ण भगवान वाद माने कृष्ण की सोल आखिरी जन्म में ब्रह्मा के रूप में समझाने वाली नहीं है, समझाने वाला शिव बाबा है। तो तुम्हारा कनेक्शन किससे है, शिव बाबा से है हमारा कनेक्शन, हमारा बुद्धि योग किससे लगता है, शिव बाबा से लगता है। और जो कम जन्म लेने वाले होंगे उनका बुद्धि योग किससे लगेगा, ब्रह्मा बाबा से लगेगा। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव ने बोला, तो जो सुनने वाले हैं जो कम कराव वाले होंगे जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी उनका बुद्धि योग ब्रह्मा से ही लगेगा, वो उससे ऊपर उठने वाली आत्माएं नहीं। और तुम्हारा बुद्धि योग बाप से लगता है कि तुम हो रूहानी बच्चे, ब्रह्मा से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, क्या माने उनका कनेक्शन किससे है, उनका कनेक्शन ब्रह्मा से है, किनका, जो रूहानी बच्चे नहीं बनते हैं। और तुम्हारा कनेक्शन शिवबाप से है, तुम शिवबाप से कनेक्शन रखते हो और वो शिवबाप से कनेक्शन नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, हाँ क्योंकि कम कलाओं वाली जो आत्माएं होंगी वो माँ तक ही पहुंचेंगी, बाप तक रूहानी बाप तक उनका कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला वो एक ही बाप ठहरा, ब्रह्मा को पतितों को पावन बनाने वाला नहीं कहेंगे, क्या पतित जो है पतित आत्माएं पावन कैसे बनती है, संग के रंग से पावन बनती है। और जो पावन आत्माएं थी छठी को त्रेता में वो पतित कैसे बनी, संग के रंग से पतित बनी, तो संग के रंग से ही पतित बनते हैं, संग के रंग से ही पावन बनते हैं। लेकिन किसके संग के रंग से पतित बनते हैं और किसके संग के रंग से पावन बनते हैं, एक बाप से, एक बाप जो ऊंचे से ऊंचे है उसके संग के रंग से पावन बनते हैं। अगर और अनुभवों को बीच में संग करते रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और नंबर आत्मी की स्थिति जो धारण करनी चाहिए वो धारण नहीं कर रहे, मतलब पहली जनरेशन से ही नीचे आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो सूर्य से जनरेशन में आना चाहिए ना, सूर्य जो है वो पहले ज्ञान लेता है किससे, भगवान, भगवान गीता में भी लिखा हुआ है भगवान ने जब ज्ञान सुनाया तो पहले सूर्य को सुनाया, तो सूर्य किसको सुनाएगा, सूर्य पहले अपने सूर्यवंशी बच्चों को सुनाएगा, जो सूर्य की डायरेक्ट औलाद होंगे उनको सुनाएगा और उन्हीं को ही समझाएगा, उन्हीं की समझ में बैठेगा, दूसरों की समझ में बैठने वाला ज्ञान है ही नहीं। तो ब्रह्मा से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पतित पावन एक बाप है, ब्रह्मा पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है, वो खुद ही पतित, वो खुद ही पतित। ब्रह्मा की सोल अभी भी
अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। कहाँ? शंकर के मस्तक पर। इसलिए शंकर का एक नाम रख दिया चंद्रबाल, उनके भाल पर चंद्रमा सुशोभित तो होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रबाल रख दिया। तो वो चंद्रमा पतित पावन नहीं है, भले उसको मस्तक पे स्थान दिया है, बहुत प्यारा बच्चा है बाबा का है, लेकिन लेकिन उससे काम निकलने वाला नहीं है। काम किससे निकलने वाला है? तुम बच्चों से, सूर्यवंशी बच्चों से। पतित पावन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल नहीं है, ज्ञान का सागर भी वो नहीं है। क्या? ज्ञान की गहराइयां जहाँ होती हैं, उन गहराइयों में रतन मिलते हैं, तो सागर में रतन मिलते हैं। तो चंद्रमा में रतन नहीं है, रतन काय में है? ज्ञान सागर में रतन है, तो वो ज्ञान सागर भी नहीं है। स्वर्ग का वर्षा देने वाला ब्रह्मा नहीं है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला एक शिव बाबी है। याद भी उनको करना है, उनको इनको याद नहीं, इनको माने ब्रह्मा को याद नहीं करना है। उनको इनको में कितना अंतर पड़ जाता है? उनको माने दूर कर दिया, जो आने वाला भविष्य का पार्ट है उसकी तरफ इशारा कर दिया, या तो पास्ट वाले की तरफ इशारा कर दिया जो पास्ट में हुआ था, जिसके द्वारा ब्रह्मा बड़ी माँ में बीज डाला गया ज्ञान का। तो वो पतित पावन है, क्यों? आज वाला कैसे पतित पावन और अंत वाला पतित पावन कैसे? दोनों क्यों? आज वाला अगर पतित पावन है तो पतित से पावन तो कोई नहीं बना है? और अंत वाला अगर पतित पावन कहे तो उन पतित से पावन तो कोई बना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अभी कोई टाइम निकल थोड़े गया। या ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब पतितों को पावन बनाने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ तो वो बात नहीं है, शिव बाबा तो मरणती नहीं होती है। क्या? शिव बाबा की जयंती तो है, शिव बाबा की मरणती होती नहीं है। शिव बाबा का जन्म गाया हुआ है लेकिन मृत्यु दिवस नहीं गाया हुआ है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी शंकर को अमर दिखाते हैं, शंकर को अमरनाथ कहते हैं। तो यज्ञ के आज वाला जो व्यक्तित्व था, जिसमें सुप्रीम सोल ने पहले प्रवेश करके ज्ञान की बातों का बीजारोपण डाला, वो आत्मा के द्वारा यज्ञ के शुरुआत में भी धोबी घाट चलता था। क्या? ऐसे नहीं कि अंत में ही धोबी घाट चलता है, जो शरीर रूपी वस्त्र है उनको साफ करने का कार्य आज में भी था और अभी भी। मुरली ने ये बात बोली है, आज में भी धोबी घाट था, अंत में भी धोबी घाट है, और ये धोबी घाट अंत तक चलता रहेगा, जब तक पतितों को पावन बनाने का पूरा कार्य संपन्न न हो जाए। तो ये कार्य भी उनको ही करना है, माना ब्रह्मा को ये कार्य नहीं करना है। ब्रह्मा तो ठहरा उनका भाग्यशाली रथ। क्या? भाग्यशाली जिनको अभी उनका कहा ना, उनका भाग्यशाली रथ ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा उनका भाग्यशाली रथ है, किनका है? हाँ, उनका भाग्यशाली रथ है, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, काई का वर्षा मिल रहा है, जीवन मुक्ति का वर्षा माने स्वर्ग का वर्षा रथ द्वारा मिलता है, तो वो कौन सा रथ है? वो रथ कौन सा? वो तो शरीर तो छूट गया ब्रह्मा का है, द्वारा वर्षा देते हैं, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, ब्रह्मा तो ठहरा उनका भाग्यशाली रथ, तो कौन सा हुआ जिसके द्वारा वर्षा देते हैं? रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, माना ब्रह्मा की सोल वर्षा देने वाला नहीं है,
वो तो वर्षा लेने वाला है। क्या सतयुग में ब्रह्मा की सूल जन्म लेगी तो अपने बाप से वर्षा लेने वाली बनेगी, वो किसी को वर्षा देने वाला नहीं, अपने बच्चे को वर्षा देगा सतयुग में, बाकी सबको वर्षा देने वाला ब्रह्मा नहीं। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना। क्या कहा? इतनी सब समझानी किसलिए थी? इसलिए थी कि बच्चों का लक्ष्य दरअसल प्रिंस के रूप में बनना और स्वर्ग में जन्म लेना नहीं है, मनुष्य से क्या बनना है, नारायण बनना है, मनुष्य से डायरेक्ट इसी जन्म में देवता बनना है, ये तुम बच्चों का लक्ष्य है। और ब्रह्मा, ब्रह्मा नर से नारायण बनेंगे नहीं, वो नर से क्या बनते हैं, पहले जाकर के बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, प्रिंस बनेंगे, फिर बड़े होंगे तब उनको अपने बाप का टाइटल मिलेगा। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है, ब्रह्मा बाबा ने अपने को उस स्वरूप में आत्मा आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाई, माने अपने को आत्मा समझने की जो प्रैक्टिस है वो ब्रह्मा बाबा की उतनी नहीं हुई जितनी तुम बच्चों की होती है। आत्मा समझकर बाप याद क्या करना है, मिसला समझो कि रथ को कोई तकलीफ होती है, कोई कारण है अकारण है, बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, सड़सठ की वाणी है ना, 67 की वाणी है, तो बताया समझो बाप को, हाँ समझो रथ को कोई तकलीफ होती है अथवा कोई कारण या कारण है बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो क्या बच्चे अपनी मुरली नहीं चला सकते? बच्चों को सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ, क्या जब मुरली चलती है तो सारा अटेंशन किसकी तरफ बच्चों का जाता है, ब्रह्मा की तरफ जाता है या शिव बाप की तरफ जाता है? जो बच्चे होंगे उनका अटेंशन शिव बाप की तरफ जाता है, और जो बच्चे नहीं होंगे उनका अटेंशन ब्रह्मा की तरफ जाएगा। बाकी शिव बाबा तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते हैं, क्या जो मुरली बंद हो जाए, शिव बाबा ऐसी बीमारी से निकलने वाले नहीं है जो मुरली बंद कर दे, शिव बाबा तो हर हालत में मुरली बच्चों को भेजते हैं, वो चाहे ब्रह्मा के तन में नहीं तो और कोई अच्छे बच्चे द्वारा मुरली चला सकते हैं। क्या था? हाँ, और कोई अच्छे बच्चे द्वारा, माने ब्रह्मा ही अकेला अच्छा बच्चा नहीं है, ब्रह्मा के समान कोई और भी बच्चे हैं जो उनके द्वारा मुरली चल सकती है। और बच्चों को इतना ज्ञान मिला है वो भी समझा सकते हैं, प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चे में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो मुरली की जो पोस्ट आती है उस पोस्ट का आना जाना कारण या कारण है बंद हो जाने, या पोस्ट ऑफिस वालों की स्ट्राइक हो जावे, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना, ऐसे तो नहीं कि मुरली नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, माना जो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं उनको अगर 2-4-8 दिन मुरली न भी मिले तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनकी बुद्धि में जो आत्मिक स्टेज से जो ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान ही ऐसी स्टेज वाला है
कि वो अंदर अंदर मंथन करते रहेंगे। तो बच्चों के अंदर चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है सच्चे वो था, अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत भी कहते हैं तो पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इससे दिल नहीं लगानी है। क्या सार माना? एक तो पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, फिर कौन सी दुनिया में सार है? सार किसको कहते हैं और निस्सार दुनिया क्यों हो गई? क्या है सार? इस दुनिया में सार नहीं है तो कहाँ है सार? सार माना क्या? इसेंस। हाँ, तो इसेंस कौन सी दुनिया में है? नई दुनिया में इसेंस है और इस दुनिया में कोई सार नहीं है। इसेंस नहीं है माने खुशबू, माने सुख नहीं है। सार माने सुख और निस्कार माने दुखी है। सर्वमूल थोड़े समय का सुख और बाकी सारा दुखी, बाकी सारा भटकना, दुखी दुख। तो इस दुनिया में कोई सार नहीं है, इससे दिल नहीं लगानी है। क्या जब सार ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तो इससे दिल नहीं लगानी चाहिए। दिल कहाँ लगानी चाहिए? नहीं, रिकॉर्ड क्या चला? दिल का सहारा टूट न जाए। तो दिल का सहारा ये दुनिया या दुनिया के लोग नहीं है, देह और देह के संबंधी हमारे दिल का सहारा नहीं बन सकते। हमारे दिल का सहारा एक शिव बाबा, दूसरा दुनिया से कोई दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं मिटती जाएगी और देहदारियों की याद से सजाएं बढ़ती जाएगी। ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए और फिर सजाएं खानी पड़े और सजाएं खाते खाते फिर पुरानी दुनिया में जन्म हो जाए। ऐसे तो ढेर गए, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बाप को भुला दिया, दुनिया में बुद्धि रमण करने लगी, शरीर छोड़ दिया, अंत मते तो गति हो गई, पुरानी दुनिया में चले गए। बहुत है जिनको बाप तो याद भी नहीं। ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन बाप की याद उनको नहीं है, पुरानी दुनिया में ही दिल लग गई। गीत भी सुना, ये जमाना बहुत खराब है, कोई नबी चाहे तो भी दिल को खींच लेते हैं। कोई दुनिया में दिल न लगाना चाहे तो भी कोई न कोई ऐसे बीच में आ जाते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं कि दिल अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कोई से भी दिल लगाई तो सजाए बहुत खा लेंगे। इस गीत में ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, बच्चों को ज्ञान ही सुनना है। क्या कहा? गीत नहीं सुनना है, क्या सुनना है? जो गीत में ज्ञान भरा हुआ है वो ही सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। क्या जो भक्ति मार्ग के गीत चलते हैं, कहीं गणेश के चल रहे हैं, कहीं लक्ष्मी की चल रहे हैं, कहीं जगदम्बा के चल रहे हैं, कहीं शंकर के गीत चल रहे हैं, कहीं ब्रह्मा के गीत चल रहे हैं, तो जो देवदारियों के गीत चल रहे हैं भले देवताएं हैं तो उनके गीत अगर गाएंगे तो याद किसकी आएगी? उन्हीं देवदारी देवताओं की याद आएगी, तो अवस्था फिर उन्हीं के ऊपर होती रहेगी। है बीके के गीत हैं तो वो एक्यूरेट है क्या? ज्ञान के गीत हैं जो
जिन गीतों में ब्रह्मा बाबा की याद दिलाई जा रही तो वो गीत एक्यूरेट है यार, वो उन गीतों से अवस्था नीचे नहीं आएगी। ब्रह्मा जी याद करेंगे तो ब्रह्मा जैसी गति नहीं होगी, जैसे को याद करेंगे वैसी गति हो जाएगी। तो भक्ति मार्ग के गीत सुनने ही नहीं है क्या, इसलिए एक मुर्ली बोल दिया गीत सुनना नहीं है, वास्तव में गीत गाना भी नहीं है। लेकिन याद करने समय ही दूसरे आवाज काम में नहीं खाने के लिए गीत डाल सकते हैं। बीते के माँ जब अपने बच्चे को याद करती है तो मजा मजा याद करती है, बाप जब अपने लंदन में गए हुए बच्चे को याद करता है तो गीत बजा बजा के याद करता है नहीं करता ना, तो वो ओरिजिनल याद है, वो याद आ सकती है। और यहाँ बाप की याद करने के लिए ढोल बजाओ बाहर की दुनिया के गीत कान में पड़ेंगे तो बाप की याद नहीं आएगी, इसका मतलब बाप को पहचाना नहीं। बाप जो है जैसा है जिस रूप में पार्ट बजाए रहा है उस स्वरूप को अभी तक पहचाना नहीं, इसलिए गीत वगैरह लगाते हैं, ट्यून लगाते हैं, माहौल बनाते हैं और संगठन की याद में निष्ठा में बैठते हैं, हाथ पांव बांध करके बैठ जाए, नहीं तो कर्म करते याद आनी चाहिए। अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है क्या, भक्ति मार्ग में जो कीर्तन करते रहते हैं, ध्यान मलिया बजाते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, ये भक्ति मार्ग सारा क्या हो रहा है, अभी मुर्दाबाद हो गए। ऐसे ही चलती है एक दुनिया है, ये दुनिया खराब होगी कि नहीं होगी, होगी खराब होगी। तो जब हम मालूम है एक तरफ हम कहते भी हैं कि बिना सामने खड़ा है, तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि बिना सामने खड़ा है और कोई ढोल मजीरा बजा रहा है डांस कर रहा है तो कोई मानेगा कि ये बिना ढोल सामने खड़ा है, है? डबल बातें हो गई ना, गीत गाना नहीं है वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। पश्चिम मुर्दाबाद होना है, अभी तुम हो संगम पर ज्ञान सागर बाप द्वारा क्या संगम युग पर कब तक हो, अभी तुम संगम युग पर हो और वो संगम युग कब तक है, असली संगम युग तब तक जब तक जीना है, जब तक सीते है बाप से, अभी तुम संगम पर हो, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ज्ञान मिलता है क्या, संगम है तो ज्ञान किसके द्वारा मिलता है, बाप द्वारा मिलता है। और संगम युग नहीं है, दूसरे युग है तो देहधारी गुरुओं द्वारा ज्ञान मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता अज्ञान मिलता है, देहधारी गुरुओं द्वारा ज्ञान मिलता है और बाप द्वारा ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान देने वाला एक ही है, बाकी सब भक्ति के सागर क्या, भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है एक बाप, तो सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी हिम्मत पर चलना है क्या, जो एक सदगति दाता है उनकी हिम्मत पर चलना है, इनकी मत पर भी नहीं चलना है। क्योंकि बहुत से बच्चे आते थे परेशान हो जाते थे, घर वाले पीछे पड़ते थे शादी करो तो बाबा के सामने आके रोना शुरू कर देते थे कि हमारे घर वाले बहुत पीछे पड़े, शादी करनी ही पड़ेगी, तो बाबा का दिल पिघल जाता था। अब ब्रह्मा बाबा उनको परमिशन दिया, अच्छा बच्चे गंधर्व विवाह कर लो, गंधर्व विवाह कर लिया, अब दूसरी तरफ मुर्ली भी एक शादी बर्बादी, एक तरफ शादी बर्बादी कह दिया, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा दोनों परमिशन मांग ली, तो परमिशन ब्रह्मा बाबा से मांगी या शिव बाबा से मांगी, ब्रह्मा बाबा से मांगी, शिव बाबा ने तो मुर्ली में डायरेक्ट बोल दिया शादी बर्बादी, जब बोल ही दिया तो पूछने की क्या दरकार,
रिस्पॉन्स लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि ब्रह्मा से ही ब्रह्मा को ही गुरु बना लेना। गुरु यहाँ एक है, ये अनेक है, यहाँ तो एक गुरु है, सदगति दाता एक है, ऐसे तो नहीं सदगति दाता दो है। बुद्धि की सदगति कौन करेगा? बुद्धिमानों की जो बुद्धि बाप है वही बुद्धि की सदगति करेगा कि कोई और करेगा? बाप बुद्धि की सदगति करेगा। बुद्धि की सदगति होने के बाद मन बुद्धि की आत्मा की सदगति हो, फिर उसके बाद शरीर की सदगति होगी। पहले जड़ की सदगति होगी कि पहले चैतन्य आत्मा की सदगति होगी? पहले चैतन्य आत्मा की सदगति। तो सदगति दाता एक ही है, तो फिर उनकी ही मत पर चलना है। चल नहीं रहे हो अभी, चलना है क्या? ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि एक की मत पर चलना ही पड़ेगा। माया छोड़ती कोई कोट नहीं है, माया ऐसी पीछे पड़ती है कि हम सब मत पर चलना चाहते हैं और मनुष्यों की मत से बचना चाहते हैं, मन मत से बचना चाहते हैं, लेकिन माया माया वो पीछे लगती है। भूलें तो सबसे होती है, देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। क्या भूल होने का कारण क्या बताया? कोई ना कोई देहवान आता है, वो देहवान आता है और भूल भूल करा दे। अगर आत्मा अभिमान हमेशा रहे, मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, जिससे बात करते हैं वो भी ज्योतिबिंदु आत्मा है, तो कभी भी भूल भूल नहीं होती। कोई समय काम के वश हो जाते हैं तो कोई समय क्रोध के वश हो जाते हैं, भूल हो जाती है। ममता में भी तूफान बहुत आते हैं क्या? ऐसे नहीं कि काम के वशीभूत हो जाते हैं तो कर्मेंद्रियों से ही काम वासना का पाप हो जाता है। काम वासना का पाप पहले तो मन के अंदर आता है, पहले मनसा से भूल होती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में जाती है। तूफान बहुत आते, प्यार करना, यह करना, कोई के शरीर से भी दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तो शरीर का भान भी नहीं रहेगा, नहीं तो बाप की आज्ञा उल्लंघन हो जाती है। इस बात से अपने को आत्मा न समझने से आज्ञा का उल्लंघन जरूर होगा। जे अहंकार रहने से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। देह के संबंधियों को भूलना है, देह के जो भी पदार्थ है उन पदार्थों में भी ममत्व नहीं रखना है, सिर्फ बाप को याद करो और घर को याद करो। अब हमारी मुसाफरी पूरी हो गई, ठीक थी रावण राज्य से, अब हमारी मुसाफरी खराब होने वाली है। अब हमको जाना है बाप के पास। क्या था? कहाँ जाना है? हैं? बाप के पास जाना है। अरे ये किसके तन से वाणी चल रही है? ब्रह्मा के मुख से वाणी चल रही है, और ब्रह्मा के सामने बैठ के सुनने वाले सुन रहे हैं। फिर ये क्यों बोला अब जाना है बाप के पास? उनको ही याद करना है, उनको कहके दूर क्यों कर दिया? जब ब्रह्मा सामने ही बैठा था, उनके तन में शिवबाबा और मुरली चला रहे। हाँ, ये इशारा दिया कि बाप के नजदीक अभी पहुंचे नहीं है, अभी अम्मा के नजदीक पहुंचे हैं, अभी बाप के पास पहुंचना हुआ नहीं, पहुंचेंगे। उस बाप को ही, उन बाप को ही याद करना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। आत्माओं का बाप समझाते हैं कि शरीर से काम करते हुए
याद मुझे करो। क्या समझाते ये नहीं समझाते हैं कि आप पांव बांध करके बैठ जाओ। कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि काम भला हम करते रहे लेकिन काम करते हुए भी दिल बाप की तरफ रहे तो तुम्हारे विक्रम बस हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं कि तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसे ना हो कि भूलों में फंस ही जाओ। भूलें तो सबसे होती है, लेकिन एक होता है भूल हुई और फौरन सुधार ली। जैसे कोई साइकिल सीखता है और साइकिल सीखते सीखते कहीं ब्रेक लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, अभी गिर जाता है तो नीचे ही गिरा रहे तो तो हार गया, हिम्मत हार गया तो नहीं। क्या बताया, भूलें तो होती है सबसे, लेकिन क्या करें, तो भूल को सुधार लेना चाहिए। ऐसे ना हो कि भूलों में फंस ही जाओ। अपना ही कान पकड़ना चाहिए कि फिर ये भूल नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए अभूल बनने का। अगर घड़ी घड़ी भूल होती रहती है तो समझना चाहिए कि हमारा ही नुकसान होता जा रहा है। भूले करते ही दुर्गति को पाया हुआ है ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतर करके अभी देखो क्या से क्या बन गए। आगे तो हमको ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबर वार पुरुषार्थ संसार ज्ञान से सब प्रवीण हो गए। क्या पहले इतना ज्ञान नहीं था, पहले बने कब, जब दुनिया में थे तो बीके वालों के लिए ये वाक्य लागू होता था। दुनिया में थे तो दुनिया भी ज्ञान था। जो बाबा का जो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ बेसिक नॉलेज का ज्ञान है वो नहीं था, अभी ये ज्ञान है, ये बात बुद्धि में आई और अभी एडवांस में आने के बाद अभी समझ में आता है कि बेसिक में जो ज्ञान है वो तो कुछ भी वजन का नहीं है। अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो तो बहुत गहरा है। तो अभी नंबर वार पुरुषार्थ संसार ज्ञान से प्रवीण हो गए हैं, सब एक जैसे प्रवीण नहीं हुए हैं। क्या ज्ञान में भी सब एक जैसे होशियार नहीं हुए हैं। जितना हो सके अंतर्मुख होकर के रहना है। क्या भूलें ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि देवान आता है बहिर्मुखी बन जाते हैं, अंदर जो आत्मा है वो याद नहीं रहती है, बाहर के देह का चिंतन लग जाता है तो भूलें होती है। तो जितना हो सके अंतर्मुखी रहेंगे तो भूलें कम होगी। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। क्या बहुत सी माताएं ऐसी होती है कि शिव बाबा अंदर से नहीं याद करती है, तो क्या कहती है, मुख से शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो मुख से कहा तो अंदरूनी वो आवाज जो है जो पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। स्थूल जो है वो सूक्ष्म बाप तक नहीं पहुंचता। स्थूल आवाज है वो तो 63 जन्म हम करते रहे, भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कांड करते रहे, लेकिन उनसे कोई फायदा होता नहीं है। तो हमारी तो अंदर की बात है, गीत आदि भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो अब भक्ति मार्ग के दुश्मन हो गए। क्या तो इसका मतलब जो गीता आदि सुनते हैं और गीता आदि सुन करके रिकॉर्डिंग लगा करके शिव बाबा को याद कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? वो अभी भी भक्ति मार्ग वालों से रावण संप्रदाय वालों से दोस्ती किए बैठे। अब हमें
भक्ति मार्ग वालों से कोई दोस्ती नहीं रखनी है। अब भक्ति मार्ग हमारा दुश्मन हो गया, कहते भी हैं भक्ति मार्ग हमारा दुश्मन हो गया, और हम बोलते भी क्या है, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं क्या? हम इस रावण राज्य को चलाना नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, ये अनेक मत मतांतरों का जो राज्य चल रहा है ये खलास हो जाए। अनेक मतों का राज्य माने अनेक रावण के सिरों का राज्य, और हम चाहते हैं एक का राज्य, एक मत के आधार पर सारी दुनिया चले। तो हम विनाश करना चाहते हैं, फिर उस दुनिया के हम दिल कैसे लगा दें? ये शरीर भी रावण संप्रदाय का है क्या का? ये शरीर भी रावण संप्रदाय का है, ये कैसे है? नहीं, रावण संप्रदाय का इसलिए बताया कि रावण संप्रदाय में ये शादी बर्बादी की रस्म निकली है। शतुघ्न त्रेता में तो शादी बर्बादी होती ही नहीं थी, वहाँ कोई साधवाना नहीं होता था। ये भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ, द्वापर युग जब से शुरू हुआ, तब से ये साधवाना शुरू हुआ। ये साधवाना की जो रस्म है ये रावण राज्य की रस्म है। ये रावण राज्य जब तक रहेगा तब तक रावण संप्रदाय रहेंगे। हम शादी नाम की संस्था ही कैंसिल कर देते क्या? शादी मन बर्बाद। तो हम रावण संप्रदाय को याद ही क्यों करें? एक राम को ही याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकर्म भस्म हो जाएगी। पतिव्रता अथवा भगवान की याद करेंगे। सत्रह जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा दिन, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे क्या कहा? जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो अपनी पति की ही याद करती है, अपनी देह भी उसको याद नहीं आती, तो हम अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा प्यार होता है आत्मा को अपने शरीर से, फिर बाद में प्यार होता है बाप से या पति से, लेकिन हमारी बात निराली है। हमको अपनी देह को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है, कोई की भी देहधारी की देह को याद नहीं करना है। देह सहित सबका संन्यास करना है। फिर और उनकी देह से हम क्यों लागत लगा लें? कोई से भी लागत होगी तो जरूर उनकी याद आती रही। लगाव की निशानी क्या? जी बार बार उसी तरफ झुकेगी। हम याद करना चाहेंगे बाबा को और बुद्धि बार बार इसकी तरफ लागत लगी होगी, वही बुद्धि भाग जाएगी। फिर ईश्वर की याद आ नहीं सकती क्या? अगर किसी का लगाव कहीं लग गया है देहधारी से तो उसको ईश्वर की याद नहीं आएगी। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। जो जितनी सजाएं खाते हैं उनका फिर पद भी व्यस्त हो जाता है। दुनिया में भी ऐसे होता है क्या? जो लंबी लंबी सजाए याफ्ता होते हैं उनको फिर ऊंचा पद उनको नहीं दिया जाता, तो बड़ा उनको अधिकारी भी बनाया जाएगा, इलेक्शन में भी खड़े नहीं होने देते हैं। तो बोला पद भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो,
माया तो बहुत धोखेबाज है, है? माया क्या बताया? धोखा मार मार करके नीचे गिराती है। माया का काम है अपनी तरफ कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने के लिए 20 रास्ते अपनाएगी। कोई भी हालत में माया से अपनों को बचाते रहना है। देह अभिमान की बहुत बड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। देह और देही में क्या अंतर है? देह माना शरीर और देही माना देह को धारण करने वाली कौन? तो बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाएगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, जो सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं उनको बाप बहुत मुश्किल से याद कर पड़ता है। बाबा ने समझाया है कम कार्डे और दिल या रहे, माने हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो। जैसे आसुक मासुक होते हैं, धंधा करते रहते हैं और एक दूसरे को याद करते रहते हैं, तो धंधे में उनकी बुद्धि नहीं जाती उतनी। बुद्धि कहाँ जाती है? आपस में आसुक मासुक के पास। तुम भी एक बाप के आसुक हो, धंधा आदि तो करते रहते हैं, अपने मासुक को याद करते रहते हैं, देह अभिमानी देह को याद करते हैं। वो देह अभिमानी आसुक मासुक है और तुम हो, तुम देह अभिमानी आसुक मासुक नहीं हो। तुम्हारा मासुक भी रूहानी है और तुम आसुक भी रूहानी हो। वो देह अभिमानी आसुक मासुक होते हैं। तो अपने आप को माया के धोखे से बचाना है, नहीं तो फंस मरेंगे। फंस मरेंगे क्या? फंस भी जाएंगे देहधारी में और फिर क्या अंजाम होगा? मर भी जाएंगे, माने बाप के ऊपर से निचके उखड़ जाएगा। फंस मरेंगे फिर ग्लानी भी होगी। क्या कहा? फंस मरेंगे मर जाए इतना ही नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर ब्राह्मण परिवार में भी ग्लानी के पात्र बनेंगे और दुनिया में भी ग्लानी के पात्र बनेंगे और फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत सेंटर से समाचार आते हैं क्या बाबा के पास? सेंटर से समाचार आते हैं क्या? कोई ब्राह्मणी का किसी में लगाव लग गया, कोई ब्राह्मण का कोई ब्राह्मणी में लगाव लग गया, कोई स्टूडेंट का स्टूडेंट में लगाव लग गया, कन्याओं का कन्याओं में लगाव लग जाता है, माताओं का माताओं में लगाव लग जाता है। तो बहुत सेंटर से समाचार आते हैं। समझते हैं बाबा ने कहा है कि अब निष्ठा करो। क्या? ये देहवान की लगाव झुकाव की बीमारी को खत्म करने के लिए क्या करें? निष्ठा करो। जैसे कराची में तुम्हारा चला था, कराची में लगातार याद नहीं बैठते थे, वहां से चला था तो ये था कि अच्छा था, इसलिए कि वहां तो दुनिया के लोगों को देखते ही नहीं थे। एक बाबा दूसरा में कोई, वहां तो ठीक है लेकिन अभी तो हम धंधा धोरी भी कर रहे हैं बाहर बाहर की दुनिया, तो बाहर की दुनिया वालों का भी संकर अंग लगता है। तो अभी निष्ठा करने की बात नहीं होनी चाहिए। वो तो बच्चों को पुरुषार्थ करवाना था तो बाबा ने पुरुषार्थ करवाया। दिन में याद नहीं करते हैं तो रात को याद करो। उस समय तुम भट्टी में थे, अभी तुम भट्टी में तो नहीं हो। वहां तो और कोई धंधा ही नहीं था और यहाँ तो तुम्हें पेट का धंधा भी करना होता है। तो इस समय में लग जाते थे, वहां कोई धंधा नहीं था। अभी बाप कहते हैं वो भट्टी ड्रामा में एक ही बात थी,
क्या कहा? अब दोबारा ऐसी बच्ची नहीं होगी, ये अंदाज लगाए बैठे हो तो बच्ची हो जाए। बाप कहते वो बच्ची ड्रामा में एक ही बार थी, फिर कितने उसमें से भी कट गए, बाकी थोड़े शर्म से वो निकल, बाकी कितने बच्चे निकल पड़े रुपये में भी ऐसे ही कच्चे पक्के नोट निकल पड़ते हैं। नोट होते हैं वो झूठे नोट निकल पड़ते हैं, वो सच्चे होते हैं नोट निकलते हैं निकालते हैं ना, उनमें भी बहुत मिस हो जाते हैं। तो विलायत में भी ऐसे नोट छाप छाप करके ठगते रहते, ये ठगी तो जहां तहां लगी पड़ी है। रावण राज्य है ना, पहले पहले था सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। राम को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? राम को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है चंद्रवंशी? राम को चंद्रवंशी कहा जाता है भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में राम को चंद्रवंशी कहा जाता है। क्या कहते हैं तो सूर्यवंशी कहे जाते हैं, रघु माने सूर्य, तो वो तो सूर्यवंशी थे। कौन कहता है रामचंद्रवंशी? बाबा यज्ञ की बताते हैं कि यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई, तो जब फेल हो गई तो चंद्रवंशी बनना पड़े। अच्छा, राम की आत्मा फेल होती है माया से कि सारी आत्मा फेल होती है माया से? सचिव की कोई ऐसी आत्मा है सचिव में जन्म लेने वाली जो त्रेता में आके चंद्रवंशी से बनती हो? और सारे ही चंद्रवंशी बनते हैं तो अकेले राम वाली आत्मा का दोष है या सभी का दोष हो जाता है? वो तो सबका दोष है। राम वाली आत्मा लास्ट में जो फाइनल है एग्जाम होता है उसमें सूर्यवंशी बन जाती है। ये कोई जरूरी है कि जो पहले फेल हो जाए वो हमेशा फेल ही होता रहेगा? वो पास भी तो हो सकता है। कोई कोई ऐसे होते हैं आदि में भी फेल होते हैं और अंत में भी फेल हो जाते हैं। तो बोला राम को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? पूछा त्रेता क्यों दिया है उनको? हिसाब बताया कि जो फेलियर होंगे वो त्रेता में जाएंगे, त्रेता का उच्च पद उनको मिलेगा, सत्युग उच्च पद किनको मिलेगा? जो यहाँ पास होंगे, इसी जन्म में पास होंगे तो सचिव में राजा ही पावेंगे, और इस जन्म में अगर पुरुषार्थ करते करते फेल हो गए तो त्रेता में राजा ही मिलेंगे। यज्ञ के आदि में भी चाहे उसको फेल हुए हो, चाहे यज्ञ के मध्य में फेल हुए हो, और चाहे वो अंत में फेल हुए, जो फेल होंगे वो प्राप्ति कहाँ करेंगे? त्रेता में प्राप्ति करेंगे। तो त्रेता को क्यों दिया है, इसलिए दिया है, ये भी कोई नहीं जानता। जबकि बाप आकर ज्ञान दे तब बात समझ में आए कि चंद्रवंशियों को त्रेता क्यों दे दिया है। ये भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही मालूम है क्या कि राम को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? उनको त्रेता युग क्यों दे दिया है? राम को सिर्फ त्रेता युग ही दिया है या सतयुग भी दिया है? राम राज्य लाया जाता है, सतयुग में राम राज्य था या रावण राज्य था? राम राज्य था। त्रेता में भी राम राज्य था, सतयुग में भी राम राज्य था, माने जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण जिस नंबर के बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। जो पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण बनता है वही फिर पहले नंबर का राम सीता बनता। मध्यम नंबर का लक्ष्मी नारायण बनेगा सतयुग में, तो त्रेता में मध्यम नंबर का राम सीता बनेगा।
तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये बातें मालूम है। एक तरफ है सारा भारत, उसमें भी सन्यासी लोग तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो, सन्यासी सन्यासियों से बहुत डरते हैं क्योंकि सुनते हैं गुरु का निंदक ठौर न पा ले। अब तुमको ज्ञान मिला है कि कौन से गुरु और कौन सी गुरु की निंदा और कौन सा ठौर, उन सन्यासियों के पास कौन सा ठौर है जो निंदा अगर उनकी होगी तो उनको ठौर नहीं देंगे, क्या ठौर है? दुनियावी सन्यासियों के पास तो कोई स्वर्ग का ठौर है ही नहीं, भले ऋषिकेश में एक मकान बना दिया है उसका नाम रख दिया है स्वर्गाश्रम, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी है घरगार छोड़ करके बैठे हुए हैं, भीख पर अपना भोजन चलाते हैं, वो सन्यासी भी सुखदाम शांति धाम की बिल्डिंग बना देते हैं, बाकी उनके पास कौन सा ठौर है? वो तो ऐसे ही डरपाते रहते हैं, क्या कि सदगुरु निंदक ठौर न पा, वो सदगुरु है भी नहीं, वो गुरु है या सदगुरु है? गुरु है, सतगुरु तो एक ही आया हुआ है, तो सदगुरु की बात है, एक सदगुरु आया हुआ है।